हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे यूपी स्टाइल हरे मटर का निमोना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। मिक्सी के बर्तन में हम 1 कप हरा धनिया पत्ता डालेंगे, 10 से 12 कली लहसुन की, लंबाई में कटा हुआ अदरक 2 बड़ा चम्मच, 4 हरी मिर्च, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 7 से 8 काली मिर्च, 2 चम्मच पानी डालकर पीस लेंगे। पानी डालकर हमने पीस लिया है, देखिए इसी तरह का पेस्ट बनाना है। निमोना बनाने के लिए सबसे पहले हम मटर को भूनकर तैयार करेंगे। पैन गरम हो गया है, पैन में हम 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे। निमोना बनाने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल कीजिए, सरसों के तेल में निमोना बहुत ही अच्छा बनता है। तेल अच्छे से गरम हो गया है, 1/2 किलो हरा मटर है, इसे हम अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे। मटर को हम धीमी आंच पर ढक कर 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मटर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देख सकते हैं मटर हमारा अच्छे से भून गया है। मटर को हमने धीमी आंच पर बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक भूना है, इसी तरह से भूनना है। अब हम मटर को बॉल में निकालेंगे और मटर को पूरी तरह से ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें से 1 बड़ा चम्मच मटर निकाल लेंगे और बाकी का बचा हुआ मटर पीसेंगे। अब हम सेम पैन में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस की आंच को धीमी रखेंगे। जीरा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच जीरा है, 1 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 7 कली लहसुन की, 1/4 चम्मच हींग, मिक्स करेंगे। जीरा ब्राउन हो गया है, लहसुन को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। लहसुन को अच्छा ब्राउन करना है, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं लहसुन भी हमारा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को हम अच्छा ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमने अच्छा ब्राउन होने तक भून लिया है। अब हम गैस की आंच को धीमी रखेंगे और पीसा हुआ पेस्ट डालेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। सूखे मसाले डालेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही में हम 1 कटा हुआ बारीक टमाटर डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक कर धीमी आंच पर पकाएंगे टमाटर अच्छा सॉफ्ट होने तक। बीच बीच में चलाते हुए हमने टमाटर को अच्छे से पका लिया है। टमाटर अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम 1 बड़ा आलू कटा हुआ डालेंगे, नया आलू है, इससे निमोना में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच जो हमने बचा कर रखा था मटर, उसे डालेंगे। पीसा हुआ मटर डालेंगे। मटर को हमने दरदरा पीसा है, इसी तरह से पीसना है।
सारे सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक कर 5 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। बीच बीच में चलाते हुए हमने अच्छे से भून लिया है। इसी तरह से भूनना है। आप जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा आपका निमोना बनकर तैयार होगा। कप से 3 कप पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। निमोना थोड़ा पतला ही बनाया जाता है। अगर आपको गाढ़ा पसंद है तो आप गाढ़ा भी बना सकते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढक कर 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे, चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा निमोना कितना अच्छा बनकर तैयार है। अब इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 1 छोटी चम्मच, मिक्स करेंगे। गरम मसाला को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा निमोना कितना अच्छा बना है। अब हम गैस को बंद करेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। यूपी स्टाइल मटर का निमोना बनकर तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनी है। इसे आप गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।